हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो एक बहुत छोटी सी वीडियो है। पार्क में बैठा धूप सेक रहा था तो सोचा आपके साथ कुछ प्यारा सा, कुछ अच्छा सा शेयर कर लिया जाए। मन में आया क्योंकि आज जो सुबह कंसल्टेशंस थी, कुछ क्वेश्चंस भी उसी तरह के थे और वो क्वेश्चंस पर्टिकुलरली कर्मों के बारे में ही थे। लोग कर्मों की थ्योरी के बारे में पूछ रहे थे कि कर्मों को कैसे देखना है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस चल रहे थे। अब जैसे ही पार्क में आकर थोड़ा रिलैक्स हुआ तो मन में आया कि आपके साथ एक खूबसूरत सा स्नैपशॉट टेक्निक आपके साथ शेयर कर ली जाए। दर्शकों, आप सब जानते हो कि हमें चार्ट में अपने कर्म या कर्मों के फल को कैसे देखना है। आप बड़े सिंपल तरीके से उसको देखते हो और वो क्या है कि हम कोई भी चार्ट लेते हैं, एफर्ट के लिए हम उसके थर्ड हाउस को देखते हैं और इच्छा पूर्ति के लिए हम देखते हैं उसके इलेवेंथ हाउस को। हमें काम करना है तो एफर्ट का भाव और रिजल्ट देखना है तो इच्छा पूर्ति का भाव। अब ये जो रिलेशन है, नॉर्मली लोग इस रिलेशन को देखते तो हैं मगर समझने का प्रयास नहीं करते कि एक्चुअली ऋषियों ने इस रिलेशन के बीच में क्या डाला था। और बड़ा खूबसूरत बात है, थर्ड हाउस से जब आप इलेवेंथ हाउस की चीज को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो इलेवेंथ है वो थर्ड का नाइन्थ है। यानी जो एफर्ट आप तीसरे भाव में डाल रहे हो ये उसका भाग्य स्थान बनेगा। आपके चार्ट में आपके इच्छा पूर्ति का भाव उस इच्छा, उस एफर्ट का भाग्य स्थान होगा। ये उसकी नियति होगी कि हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऋषियों ने उसे नाम दे दिया इच्छा पूर्ति का भाव, तीसरे भाव को कह दिया ये है उसका एफर्ट का भाव। और इसको एक आप और दूसरे तरीके से समझ सकते हो, जो पिछले जो हमसे बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर्स थे वो यूज करते थे इस टेक्निक को। वो क्या कहते थे कि चार्ट को आप पेपर पर बनाइए, अपनी कुंडली बना लीजिए, कुंडली बना के उसको सेंटर में से फोल्ड कर दीजिए और आप देखोगे तीसरे के ऊपर 9 ही आएगा। ये उसका भाग्य है, ये उसकी नियति है। अब सक्सेस है नहीं है ये आपके हर चार्ट में डिफरेंट तरीके से ही दिखेगा, क्योंकि आप सबके चार्ट के ऊपर देखो एक डिफरेंट तरीके से, क्योंकि किसी के चार्ट के थर्ड हाउस में राशि कुछ होगी, किसी के इलेवंथ में राशि कुछ होगी। अब इसका रिलेशन अगर आपको और खूबसूरत तरीके से समझना है वो भी मैं आज आपको समझा देता हूँ। वो आपको अपने शनि से देखना पड़ेगा। शनि का रिलेशन अगर आपका इस तरीके से बनता है तो आप रिजल्ट को बड़े आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे। सो दर्शकों, ये बड़ा खूबसूरत छोटा सा एक मेरी वीडियो का मेरा मन में था कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस तरह करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ये जो थर्ड से नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में ये नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है, ये जुपिटेरियन कॉन्सेप्ट है, ये वो भाग्य का कॉन्सेप्ट है। हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ कि इंसान अपना भाग्य अपनी मुट्ठी में लेकर पैदा हो। जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए उसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है और जो कर्म अब हम करेंगे उसका फल हमें आगे फ्यूचर में मिलेगा। उस फल को जानने का इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी सबको है मगर वो आपको कैसे देखना है वो आज आपको मैंने बहुत सिंपल से शब्दों में, आसान से तरीके से समझाने का प्रयास किया। सो दर्शकों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा मगर उस विराम से पहले जो रिक्वेस्ट हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाइए ताकि ज्योतिष की ज्योति घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो दर्शक मेरे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं या जो रिसर्च के टॉपिक्स पर मेरे साथ काम करना चाहते हैं, दे आर ऑल वेलकम। और उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9888164480। उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों,
बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। आशा करता हूँ 2021 आपके लिए सब वो संभावनाएं लेकर आए जो 2020 में आपसे कहीं ना कहीं रूठी हुई थी या आपसे दूर थी। धन्यवाद।